नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। रवीश की नई रिपोर्ट के 25वें एपिसोड या रवीश रिपोर्ट के 25वें संस्करण के साथ हाजिर हूं। आज बात करेंगे रवीश जी द्वारा पिछले एक सप्ताह में किए गए प्रपंचों का और कुकर्मी बातों का, जिसमें उनके कुछ फेसबुक पोस्ट हैं जिसपे ज्योतिराज सिंधिया के बारे में, राणा कपूर यस बैंक के बारे में है, यूपी के जूनियर इंजीनियरों की बात है, अदालत और योगी सरकार के बीच जो चल रहा है, लखनऊ में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं दंगाइयों के उसके ऊपर बातचीत है, और दिल्ली दंगों के ऊपर भी कुछ कुछ बातचीत है। तो इस पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी के जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने तुरंत लिखा है और ये भी शुद्ध प्रपंच है। प्रपंच कैसे है वो इस बात से जानिए कि इन्होंने लिखा है कि यूपी के निकाले गए जूनियर इंजीनियर, ध्यान से सुने मेरी बात, उसके बाद ज्ञान दिया है इन्होंने कि बाकी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसी की तरह आपको लड़ना चाहिए और मेरे पास मत आइए, क्योंकि आप लोगों में से कईयों ने योगी को वोट दिया होगा, दिस दैट। ठीक है, जो बात रवीश कुमार छुपा ले गए, क्योंकि रवीश कुमार कोई बात करता हो और इस तरह से भाजपा सरकार क्वेश्चन में हो तो आपको थोड़ा जो है खोदना पड़ेगा। खोदने पर आपको पता चलेगा कि ये जल निगम की नियुक्तियां हैं, उसमें से 122 असिस्टेंट इंजीनियर, 853 जूनियर इंजीनियर और 325 क्लर्क, लगभग 1300 लोगों की नियुक्तियां जो है निरस्त कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये नियुक्तियां उस समय हुई थी जब आजम खान मंत्री थे, और आजम खान जो है मंत्री थे उस वक्त नियुक्तियों में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। क्यों हुई थी गड़बड़ियाँ? गड़बड़ियाँ इसलिए हुई थी कि ये काम दिया गया था नियुक्ति का मुंबई के किसी फर्म को, मुंबई के फर्म ने जो लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, जो नियत नियम हैं सरकार के नियुक्तियों को लेकर, उसको फॉलो नहीं किया था। ये कैसे पता चला? कुछ पीड़ित छात्र जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी उन्होंने केस किया। तो जब योगी सरकार आई तो 2017 में एक कमिटी गठित की गई, SIT एक जो होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लॉन्च हुई। उससे पता चला कि कई तरह की अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज जो है बढ़ती गई हैं, और इस कारण से इन्होंने अब जाके 4 मार्च को जो है रिपोर्ट आई और उसके बाद से उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। अब देखिए कि ये सारी बातें रवीश जी नहीं बताएंगे, और दूसरी बात ये भी है कि आप सबको पता होगा कि UPPCS जो है उसमें अखिलेश यादव के राज में किस तरह की धांधली हो रही थी। इस पे आप सिर्फ यादव सेलेक्शन UPPCS करके या UPPSC करके सर्च कर लीजिए, न्यूज़ सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि एक कास्ट के लोगों को चाहे DM बनाना हो, शायद 84 में से 69 या 56 जिलों के DM जो है यादव थे। उसके नियुक्तियों में देखा गया कि OBC के सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और जनरल के सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई UPPSC द्वारा लिए गए परीक्षाओं में नियुक्तियां जो है एक कास्ट के लोगों की हुई। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उस कास्ट के लोग जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या बहुत कम टैलेंटेड होते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनका परसेंटेज हायर देन द यूजुअल था, और उस पर भी कई लोगों ने उस समय भी सवाल उठाए थे, उस पर भी शायद जांच बैठी हो, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से रवीश कुमार ने एक बात जो है इनको बतानी चाहिए थी कि इसका दूसरा हिस्सा क्या है, क्यों सरकार ने नियुक्तियां रद्द की, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं की। और साथ ही जो रोजगार पे चिल्लाते हैं, तो रवीश कुमार आपको यह भी बताना भूल गए कि यूपी सरकार ने हाल ही में 50,000 कांस्टेबल की नियुक्तियाँ की हैं, भर्तियाँ की हैं उत्तर प्रदेश में। पता नहीं कांस्टेबलरी को ये लोग जॉब समझते हैं कि नहीं, ये रवीश कुमार ही बता पाएंगे। उसके बाद रवीश ने दो पोस्ट लिखे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके, एक पोस्ट लिखा है उसमें लिखा है कि सिंधिया ने क्यों पार्टी छोड़ी, इसको लेकर कई तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी है कि राज्यसभा का टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसा है रवीश जी कि उस थ्योरी की बना लीजिए बत्ती और उसको एक बोतल में डाल के और उसमें आग लगा दीजिए और फिर उससे इंजोर हो जाएगा, मतलब उजाला हो जाएगा। उससे कुछ पढ़िए, किताब उताब निकाल के पढ़िए और अच्छे लोगों से बात कीजिए, जानकार लोगों से, ताकि आपको बता पाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह राज्यसभा का सीट नहीं है, कैबिनेट
में जाने का लालच नहीं है, उप मुख्यमंत्री बनने का लालच, ये सारी चीज़ें तो उनको कांग्रेस दे ही रही थी। कांग्रेस उनको जो नहीं दे रही थी वो है सम्मान। सम्मान, और जिसके बारे में आपने आगे स्वाभिमान उनको बता दिया कि उनके पास तो स्वाभिमान है ही नहीं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कांग्रेस में जो है एक योजना चलती है, राहुल से बड़ा कोई नहीं हो सकता योजना, या किसी को हम बड़ा होने ही नहीं देंगे योजना। इसमें सचिन पायलट आते हैं, इसमें सिंधिया आते हैं, और इसी तरह के कई यंग लीडर्स आते हैं जिनके ऊपर उठने का कोई स्कोप ही नहीं है। जब इन्हें लगने लगा कि हमारा टाइम आया है, इनके चेहरे को भुनाया गया कि यंग लीडरशिप आएगी और नए तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को एक नया शासन, एक नया विज़न जो है वो मिलेगा, वो गायब कर दिया आपने। आपने गहलोत को दे दिया, आपने कमलनाथ को दे दिया। क्यों? क्योंकि ये चाटुकार हैं, ये सोनिया गांधी के करीबी हैं, और दूसरी बात ये है कि इस उम्र में भी जाके, बुढ़ापे में जाके भी वो राहुल को सबसे महान मानते हैं। तो यहाँ पर जब बात सम्मान की हो जाती है, बात आत्मसम्मान की हो जाती है, तो कोई भी आदमी, इसमें हमने एक वीडियो और किया जिसमें विस्तृत चर्चा है, वो जाके इससे पहले का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो लगातार 2 साल से इग्नोर किया जा रहा, और ख़ास करके पिछले 9 महीने से, जब वो कुछ कहता है कि जो प्रोमिसज किए हैं सरकार ने, वो अपने लोगों के साथ सड़क पर उतरने की बात करता है, चीफ मिनिस्टर जो उसी के पार्टी का है, उसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, वो उसे कहता है तो उतर जाओ। तो इस तरह से किसी को दुत्कारोगे आप, वो भी उस नेता को जो 25-30% MLA जो है तुम्हारा अपने एरिया का, चंबल और ग्वालियर वाला जो रीजन है वहाँ से लाके देता है, उसका इतना होल्ड है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने वोटरों पे, उसको तुम इस तरह से दूतकारोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए राज्यसभा, कैबिनेट कुछ मायने नहीं रखता। उसको जब लगने लगता है कि मुझे इस पार्टी में जितना हासिल हो सकना था उतना हो गया, तो वो आगे बढ़ेगा। उसे लगेगा दूसरी पार्टी में कुछ अलग स्कोप हो, कम से कम वहाँ का जो मंत्री हो मेरी बात सुनेगा, मुख्यमंत्री मेरी बात सुनेगा, और मैं अपने लोगों के लिए काम कर पाऊँगा। तो जाहिर सी बात है कि वो छोड़ देगा और वहाँ पे चला जाएगा, भले ही उसको अगर कंपैरेटिवली देखा जाए कि उसको कम मिल रहा हो, फिर भी ये आत्मसम्मान की बात है। आगे रवीश जी ज्ञान देते हैं कि इन दो बड़ी पार्टियों में न जाने कितने ऐसे नेता हैं जो विधायक या सांसद का टिकट हासिल नहीं कर पाते। इनका कहना है कि बड़े नेता जो है एक पार्टी से दूसरे में चले जाते हैं, और उसके कारण जो लोग महीनों से, सालों से, दशकों से काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल पाता है टिकट। यही बताते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि हर पार्टी में एक तो ऐसा स्कोप होता है कि कुछ नेता जिनकी यूटिलिटी है वैसे पार्टियों में, वो अकेले भी आते हैं। अब जैसे मुकुल रॉय, उनकी संगठन क्षमता जो है बंगाल में ज़्यादा है, तो बीजेपी ने उनको लिया। उसी तरह सिंधिया है, या इन सबको छोड़िए, अब कोई इस पर रोने लगेगा कि एस जयशंकर तो IFS थे और वो उनको जो उठा के विदेश मंत्री बना दिया। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास नेता के साथ साथ थिंकिंग ब्रेंस भी चाहिए, तो उसके लिए पार्टियों के पास विकल्प होता है। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो कितने सालों से मेहनत कर रहे होंगे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 18 साल से वो आदमी कुछ नहीं कर रहा था? जो आदमी अपने बल पर 1/4 सीट जो है आपका ला रहा है एक एक क्षेत्र से, तो क्या वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है? वो ज़मीन पर कार्यकर्ताओं के साथ काम नहीं कर रहा है? उसका पूरा काम जो है अचानक से आप गायब कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे में चला गया। जाने कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को ये लोग साधते होंगे, जैसे आप साधते हैं रवीश जी। आप जो है आंख मूंद लेते हैं, सत्य से आंख मूंद कर प्रपंच को हवा देकर आप अपनी महत्वाकांक्षा तो ऐसे ही साध रहे हैं ना। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुतों की महत्वाकांक्षा नहीं होती रवीश जी, वो कार्यकर्ता बन के लगातार काम करते रहना चाहते हैं, उनको नहीं बनना होता है PM या CM का फेस। उनके लिए आत्मसम्मान शायद ज़्यादा ज़रूरी होता है, या उनको लगता है कि पार्टी लीडरशिप में उनका फेथ है। यहाँ परिवारवाद नहीं है रवीश जी, यहाँ पे है कि
राहुल चाहे फलाने के बेटा हों, और फलाने और राहुल जो है सोनिया राहुल ही लगातार जो है अध्यक्ष अध्यक्षा बनते जा रहे हैं और बूढ़े जो हैं एक पूरा ओल्ड गार्ड जो है उन्हीं की जी हुजूरी में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, दूसरी पार्टी में हर साल दो साल पर अध्यक्ष अलग आदमी बनता है, वो अपने हिसाब से चलता है, वहाँ पोलराइज्ड नहीं है पावर, वहाँ ऐसा नहीं। वहाँ मनोहर लाल खट्टर को भी जो है मुख्यमंत्री बनने का मिल जाता है, किसी मेयर को फडणवीस टाइप के लोग को सामने मुख्यमंत्री बनने का मिलता है, उसको फ्री हैंड मिलता है कि तुम महाराष्ट्र को जैसे चलाना है चलाओ। तो इस तरह का स्कोप जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं है। इसलिए आप जिन्हें कोस रहे हैं, आप आंकड़ों पर नहीं कोस रहे हैं, आप इतिहास को भी नहीं देख रहे हैं, आप ज़मीनी स्थिति को नहीं देख रहे हैं, आप बस इसलिए रोंदू टाइप के हो गए क्योंकि भाई आप लैप डांस जिसके गोद में बैठ के करते हैं उनका जो है दिन आजकल खराब चल रहा है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसे नेताओं का ज्योतिरादित्य की तरह स्वाभिमान नहीं होगा। बताइए आप, स्वाभिमान है रवीश जी तभी छोड़ा, स्वाभिमान नहीं होता तब तो रीढ़हीन होकर राहुल को बाबा समझ के और बाप माए दादा बाबा नाना सब समझ के वहीं पे पड़े रहते और माइक बोलते रहते। नहीं, राहुल जी गजब के आदमी, राहुल जी जब फंसते हैं तो बगले झांकते हैं तो ज्योतिरादित्य उनके कान में बताते हैं कि उनको क्या बोलना है। ऐसे लोग को कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल कब तक अपना नेता मानता रहेगा, उसमें तब जब उसे पता हो कि उसे आगे ही नहीं आने दिया जाएगा। तो आपका स्वाभिमान कहाँ है वैसे? आप भी अपने स्वाभिमान के बारे में कभी कभी बात कर लीजिए कि आपका मालिक किस तरह के फाइनेंशियल डीलिंग्स में फंसा हुआ है और उस पर किस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं, किस तरह का केस चल रहा है। तो आपका स्वाभिमान कहाँ गया? आप तो छोटी बात पे जो है सरकारों से इस्तीफा मांग लेते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं। अगला पोस्ट जो है रवीश जी का वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और राणा कपूर को लेकर, कि एक समुद्र महल है मुंबई में, मतलब अपार्टमेंट एरिया ऐसा है, सोसाइटी है, इसमें ज्योतिरादित्य का भी महल है, 40 करोड़ दाम बताते हैं, सिंधिया के लिए बड़ी रकम नहीं हुई है। लिखते हैं, यस बैंक वाले राणा कपूर ज्योतिरादित्य के इस महल में, यस बैंक के राणा कपूर जो है किराएदार थे, इसके बगल में नीरव मोदी रहा करते थे। अब जो है आगे ये लिखते हैं कि किसी प्रकार के लेन देन या मिलीभगत की कोई जानकारी नहीं है। जब लेन देन या मिलीभगत की जानकारी नहीं है तो इस लेख को अभी लिखने का और इतने मतलब लंबा लिखने का और क्या औचित्य हो सकता है, क्योंकि अभी ज्योतिरादित्य भी चर्चा में, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और राणा कपूर जो है उनका यस बैंक जो है डूब रहा है, उनको हटाया गया है। तो क्या इसको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी जा रही है कि शाहरुख ही अनुराग मिश्रा है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, ये एक लाइन लिख के निकल लेने के बाद जो है, ये एक लाइन लिखने से क्या होता है कि रवीश का जो भक्त होगा वो सोचने लगेगा, अरे ज्योतिरादित्य के महल में राणा कपूर रहता है, राणा कपूर अभी फंस गया है, वो पता नहीं किस किस का नाम बोल देगा, और हो सकता है ज्योतिरादित्य भी फंसा हुआ होगा, नीरव मोदी का होगा, इसको अब जो है भाजपा में मिला दे। इसी तरह की प्रपंची कहानियां प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए एक दो लाइन में ये सारी बातें जो है पब्लिक में छोड़ दी जाती और टेक्निकली बचने के लिए लिख दिया जाता है कि इसमें कोई मिली भगत या लेन देन की कोई जानकारी नहीं। यहाँ पे बात आती है इंटेंट की, मंशा क्या है आपकी, आपने क्यों लिखा है? जब आपके पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें मिलीभगत हुई है लेन देन हुआ है तो आप क्यों लिख रहे हैं ऐसा? उसके अगले हिस्से में लिखते हैं कि हम और आप जो है छोटी बातों पे उलझे रहते हैं, ये बड़े लोगों की अहम की लड़ाई है, मेरी तरह छोटा एंकर रहिए, बड़े एंकर रहेंगे तो खुद को रेलेवेंट साबित करते रह जाएंगे और होली दिवाली भी एंकरिंग करते रहेंगे। देखिए ज्ञान दे रहे हैं कि होली दिवाली को एंकरिंग नहीं करना चाहिए, और ये ज्ञान देने की आदत इनकी पुरानी है, ये किसी को भी मतलब ज्ञान दे देते हैं कि एंकरिंग इसी तरह होना चाहिए, मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही हमेशा होना चाहिए, उसकी बड़ाई करने का उसको हक नहीं, और तमाम तरह के रवीश स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो इनका चलता है और रवीश जर्नलिज्म 101 की क्लास ये बीच बीच में लगाते रहते हैं। तो एंकरों को ज्ञान देते हुए ये कहने लगते हैं कि बेचारे की होली भी खराब गई और एक साधारण स्टोरी के लिए भी एंकरिंग करने का मौका नहीं मिला। आपको पता है होली के दिन कौन सी साधारण स्टोरी जिसका ये नाम ले रहे हैं वो चल रही होगी? होली के दिन मध्य प्रदेश की सरकार गिर रही, मध्य प्रदेश
जो कि इस देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, वहाँ की सरकार गिर रही है और ये इनके लिए साधारण स्टोरी है जिसको करने के लिए किसी भी एंकर को जो है आने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो कोई नया एंकर भी इस चीज़ को कर सकता था। आप सोचिए कि इस आदमी का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी इतनी घटिया हो चुकी है कि उसे मध्य प्रदेश की सरकार गिरने जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहा है। यही आदमी जब श्योर शॉट अरेस्ट होना था चिदंबरम का, तो लाइव चला रहा था पूरा प्राइम टाइम कि कौन आदमी कूद के गया, अब उसके कौन से रिपोर्टर कहाँ हैं। एक गृह मंत्री, एक वित्त मंत्री जो पूर्व में रह चुका है, उसकी गिरफ्तारी होने वाली, वो श्योर शॉट थी कि होनी ही थी। उस पर जो 40 मिनट आदमी लगातार कर रहा है कवरेज, वो साधारण स्टोरीज के लिए नहीं थी। एक पूरी सरकार का गिर जाना, एक पूरी सरकार के एक 22 एमएलए का रेजिग्नेशन, उस रात में लगातार जो है कैबिनेट के मंत्रियों ने रिजाइन किया 26 में से 22, और इस आदमी को लग रहा है कि नहीं, वो तो साधारण स्टोरी थी, उसके लिए जो बड़े एंकर आए वो जो है जलते हैं छोटे एंकरों से। भाई छोटे एंकरों से जलेंगे तो उसको निकाल देंगे नौकरी से, क्यों रखेंगे नौकरी पर बड़े एंकर जब यही सब करना हो। रवीश जो है एंकरों को काफ़ी ज्ञान देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जिनके अंदर रहकर कह लिए या जिनके सहकर्मी थे, जिन्होंने जर्नलिज्म शायद सिखाया था उनको, राजदीप, उसके बारे में न्यूज़ 24 के एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पे इन्होंने राजदीप के बारे में एक सवाल पूछा गया उनसे, तो सवाल को बीच में काट के इन्होंने बोला कि वो दुकानदार है, मैं उनकी तरफ बैलेंसवादी नहीं। सही बात है, रवीश ने सही बोला कि वो बैलेंसवादी नहीं है और वो दुकानदार भी नहीं उनकी तरफ। रवीश जो है वो होलसेल डीलर है, रवीश के पास फैक्ट्री है प्रपंच की। तो जब वो कहते हैं कि वो दुकानदार नहीं, बैलेंसवादी नहीं, सही बात बोल रहे हैं। वो बैलेंस भी नहीं बनाते, वो एक तरफा एकदम, उनका तराजू का पलड़ा इतना टिल्टेड है, वो एक ही तरफ जो है अपना पूरा वेट, मतलब पैर के नाखून से लेके टीक तक जो है लेके वो बैठे हुए हैं, उसी तराजू में लगातार प्रपंच उनका चल रहा है। सही बता रहे हैं, बैलेंसवादी, बैलेंस तो वो बहुत रेयर समय पर करते हैं, और जब करते हैं तो आपको जता देंगे कि वो इज इक्वल टू कर रहे हैं खुद ही। मतलब मुसलमानों ने जब हिंदुओं के ऊपर दंगे किए दिल्ली में, तो वो बाकी सारी 40 मिनट में 38 मिनट मुसलमानों के घर कैसे जल गए फलाना पे, और 2 मिनट में एक लाइन बोल देंगे, हाँ राहुल का भी घर जल गया था और उसको भी गोली लग गई थी, इस तरह की बात करेंगे। बैलेंस के नाम पे ये इतना ही करते हैं। तो सही बात है कि रवीश जो है बैलेंसवादी तो बिल्कुल नहीं और दुकानदार भी नहीं, रवीश फेक न्यूज़ के होलसेल डीलर हैं, और इनसे उचित रेट पर जो है आप पा सकते हैं। रेट कैश में दीजिए, काइंड में दीजिए, ये सब मैं नहीं जानता, बट हाँ उचित रेट लगाते हैं। और वही है लैप डांस मीडिया के अग्रिम पंक्ति में जो अग्रगण्य माने जाते हैं रवीश जी, तो ये लगातार फेक न्यूज, टिल्टेड न्यूज, प्रोपेगेंडा है जो उसको हवा देते रहते हैं और शाहरुख को चुपके से अनुराग बताते रहते हैं। आगे फिर वो पत्रकारिता की ही बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि पत्रकारिता के ऐसे अमीर छात्रों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं, एक छात्र मिला जो 2 साल की फीस 8.5 लाख देकर पढ़ रहा। भाई सहानुभूति तुमसे मांग कौन रहा है? और 8.5 लाख से कम पैसे लेकर जर्नलिज्म की शिक्षा देने वाले दसियों संस्थान हैं, आईपी यूनिवर्सिटी देता है, भले बेकार ही पढ़ाई होती है वो उसके सारे कॉलेजों में, ये मसला अलग है, लेकिन कम दामों पर भी ये बेकार की शिक्षा उपलब्ध है। तो अमीर छात्रों के प्रति सहानुभूति रखिए, नहीं रखिए, गरीब छात्रों के प्रति रखिए, क्योंकि गरीब छात्र भी, आप जो लोग पत्र संभाग आपका आता है वो भी आजकल आपने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, जब से मैंने पूछना शुरू किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से क्यों नहीं आते आपके पत्र, तो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 10-12 दिन से आप जिस हिसाब से लिखते थे उतना नहीं। हाँ, अब मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही है तो हो सकता है मध्य प्रदेश की समस्याएँ आप तक आने लगे। वो अभी महिला शिक्षकों की समस्याएं थे, वहाँ पे उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, तो उन सब पे आपने कुछ नहीं दिखाया। वहाँ जो बच्चे मर रहे थे उस पे नहीं लिखा आपने, आपने गुजरात में जो मर रहे थे उस पे जो है रिपोर्टिंग की है, ज्ञान दिया। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप कुछ और लिखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान पे भी। अगला जो प्राइम टाइम था या लेख है,
शायद प्राइम टाइम ही था, अदालतों पर भरोसे की बहाली का फैसला। ये जो है पहले मामला समझिए, रवीश लिखते हैं, लखनऊ की सड़कों पर 50 लोगों की तस्वीरें उनकी निजी जानकारी के साथ बैनर पर लगा दी गई। लिखा हुआ था कि इन सभी से CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों से सार्वजनिक संपत्ति को किए नुकसान का हर्जाना वसूला जाना। तो क्या ना वसूला जाए? 30 लोग उसमें मरे, करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दी गई, बर्बाद की कर दी गई। तो जाहिर सी बात है कि उनसे वसूला ही जाना चाहिए, यही तरीका ही होना चाहिए दंगाइयों से डील करने का। अब इसमें जो पटिशन याचिका जो लगाई गई थी संडे को सुनी गई, और ये कहते हैं ये एक तरह की मॉब लिंचिंग को उकसाना है कि ये वो चेहरे हैं, इनके घर का पता इस गली और इस मोहल्ले का। अब बताएं, रवीश ने ये कह दिया, पोस्टर दिसंबर से लग रहे हैं और यूपी के कई इलाकों में लगे हैं, चाहे डिजिटली जारी हुए या चौराहों पर प्रिंट आउट लेके उनका जो है बड़ा जो है फ्लैक्स में बैनर में बना के लगाया गया। अब बात यह है कि 2-3 महीने होने को आए, इतने दिनों में तो कोई मॉब लिंचिंग की खबर है नहीं कि इनके पोस्टर देख के कोई भीड़ जो है पहुंच गई। तो किस आधार पर ये लाइन लिखा जा रहा है कि उनकी निजी जानकारी जो है सार्वजनिक होने से, निजी जानकारी मतलब क्या, गली मोहल्ले का नाम? ये तो उन्हें नेम एंड शेम करने की तकनीक है, ये तो होना ही चाहिए। और ये नहीं होगा तो ये बेशर्म लोग और दूसरे लोग भी इन्हें पहचानेंगे कि तुम जिससे सामान खरीदते हो, तुम जिनसे जो है डीलिंग करते हो, तुम जिनको अपना मित्र मानते हो, वो तुम्हारे मोहल्ले की सड़क तोड़ रहा है, वो तुम्हारे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट तोड़ रहा है, वो तुम्हारे मोहल्ले की दुकानों को आग लगा रहा है, वो तुम्हारे सरकारी बसों को फूंक रहा है, वो भी वैंस में आग लगा रहा है। तो ये तो हमें पता करने का पूरा हक है कि जो अपराधी है उससे वसूला जाना चाहिए, जो सीधा दिख रहा है कि हाँ इसने अपराध किया है, नहीं किया जाओ कोर्ट में केस लड़ो। इन सभी की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि घर का पता देने से उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक हुई। रविवार को छुट्टी के दिन इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। बिल्कुल होगी भाई, पावर और रसूख वालों की तो रविवार को क्या, रात के 2 बजे भी ऐसे वकीलों ने अदालत के दरवाजे खुलवाए। और इस वक्त आपको वो सब ज्ञान नहीं याद आ रहा है कि मतलब अभी अदालत ने फैसला आपके हिसाब का दे दिया, तो आपको लग रहा है अदालत जो है एकदम भरोसे की बहाली का फैसला दिया है। तब आपको राम मंदिर वाला के टाइम में आप कहते हैं अंतरात्मा में सोचिए क्या ये फैसला सही है, तब आपको ये सब समझ में नहीं आता। मतलब वही है कि मीठा मीठा नीक है, कड़वा कड़वा थू है, इस तरह की बात है। और इसी से संबंधित एक और मज़ेदार बात है, मज़ेदार तो खैर नहीं है, इस देश में इस तरह की बात क्यों हो रही है इस पर सोचने की ज़रूरत है कि जस्टिट्यूट जैसे प्रेस्टिट्यूट चला था, प्रेस और प्रोस्टिट्यूट को मिला के, उसी तरह जस्टिस और जुडिशरी और प्रोस्टिट्यूट को मिला के जस्टिट्यूट नाम का एक ट्रेंड चला था। एक दिन पूरे शाम जो है वो नंबर 1 पे रहा था और टॉप 5 में बहुत देर तक बना हुआ रहा था। ये पब्लिक ने, अब किन्होंने चलाया था, किन लोगों ने, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस तरह के ट्रेंड जब आते हैं तो आपको पता चलता है कि पब्लिक सेंटिमेंट कहाँ पे है। और पब्लिक सेंटिमेंट जब देखता है कि पुलिस अगर ढंग से काम करना चाह रही है, दंगाइयों से निपटना चाह रही है, और उसमें जो है जुडिशरी कुछ अजीबोगरीब फैसले दे रहा है, हालांकि अब जुडिशरी का तो ये तो है, ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी कंटेम्प्ट मानकर मुझ पर एक्शन ले सकती है, इसलिए मैं पूरी बात मतलब खुलकर उनकी आलोचना नहीं की जा सकती क्योंकि जुडिशरी जो है सर्वे सर्वा है यहाँ पे। फिर भी मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप तक यह बात पहुँचाना चाह रहा था कि इस तरह का ट्रेंड चला है कि जस्टिट्यूट कहा जा रहा है जजेज को और जुडिशरी को, तो इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। और शायद अदालतों को सोचना चाहिए, जजों को सोचना चाहिए कि जब वो फैसले देते हैं तो क्या सिर्फ रसूखदार वकीलों के वहाँ होने से, या फिर पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखा जाए, पब्लिक गुड भी देखा जाए, आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसे कहते हैं वो भी देखा जाए कि क्या वाकई अपराधियों के घर और गली का नाम जो है पोस्टर पे लगा देने से उनकी निजता का हनन होता। ऐसे पोस्टर फिर वांटेड के पोस्टर जो लगते हैं तो उसका भी निजता का हनन होता है क्या? इन सब बातों पे जाहिर सी बात है कि मैं कोई न्यायिक मामलों का जानकार नहीं हूँ, बहुत लोग होते हैं, फिर भी मतलब एक नागरिक के तौर पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ जो है वो सही है या
ये बताना कि जानकारी जो है सार्वजनिक कर दिया, ये कोई गलत है, ये होना चाहिए। नेम एंड शेम नहीं करोगे तो वो दोबारा यही करेगा, क्योंकि वकीलों की मदद से वो तो छूट ही जाएगा, उसे आगे छूट ही जाना है। आगे जो है रवीश जी यस बैंक पर आ गए हैं और उन्होंने राणा जी के ऊपर जो है, राणा कपूर उसके ऊपर एक गीत है उसको जो है बेचारे ने गलत लिखा है, शायद सुना नहीं होगा, वो है मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई, छत पे सोया था बहनोई मैं सैया समझ के सो गई, उसी का है। इन्होंने लिखा राणा जी मुझे माफ़ करना गलती मारे से और गई। आगे जो है लिख रहे हैं सरकार की खुशामद में अदना भी अर्थव्यवस्था का आलिम हो जाता है। राणा कपूर ने नोटबंदी के 3 दिन बाद ही मास्टर स्ट्रोक कहा था, जिसकी मार से आज तक भारत की अर्थव्यवस्था नहीं उठी। अब इस बात को रिलेट करने के लिए या नोटबंदी का ही असर है अर्थव्यवस्था पर, रवीश के पास कोई आंकड़े नहीं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन, काल्पनिकताएं ये बेच रहा है। हमेशा हर बार कहेगा नोटबंदी में इतने लोग मर गए, फर्जी बातें, सारी न्यूज, अधिकतर न्यूज जो है फर्जी थी, लाइन में लोग मर गए, उतने लोग लाइन में काशी विश्वनाथ मंदिर के लाइन में लगते हैं, कहाँ मरते हैं, कोई नहीं मरता, जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा उस तरह का एक चला था एजेंडा। दूसरी बात यह है कि कोई आंकड़ा अगर आपके पास एक्चुअल में होता जो प्रूव कर देता कि हाँ नोटबंदी के कारण जो है बर्बादी फैल गई है तो मान लिया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। आर्थिक मंदी अभी विश्व में है, वैश्विक मंदी के कारण भारत भी उससे अछूता नहीं है। कुछ कुछ पॉलिसी डिसीजंस को आप आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं किया, वहाँ पे ये नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन फ्लैट में एक लाइन में कह देना कि नोटबंदी के कारण ही ये जो है बर्बादी फैली है, बिल्कुल गलत है। चाइना में तो कोई नोटबंदी नहीं हुई, उसका ग्रोथ रेट देखिए, फ्रांस में नहीं हुई उसका ग्रोथ रेट देखिए, जर्मनी का देखिए, जापान का देखिए, यूके का देखिए, यूएस का देखिए, इन सब का ग्रोथ रेट आप देखिए 2016 के पहले कितना था और 2016 के बाद कितना है। इन सब देशों में कहीं भी नोटबंदी या GST नहीं आई, वो भी डिप पर है, भारत भी डिप पर चल रहा है। भारत के पास हाँ ये है कि सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अभी नहीं है, अभी घट गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नोटबंदी के कारण, कुछ और वजहें रही होगी, फॉल्टी पॉलिसी डिसीजंस कह सकते हैं, कुछ योजनाएं ऐसी आई जिसको पूरा करने के लिए सरकार को बजट में यहाँ से पैसा उठा के उधर डालना पड़ा, इस तरह की बातें होती है, उसके बाद जो है उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो रवीश वही है, कभी न्यायिक मामलों के जानकार, कभी आर्थिक मामलों के जानकार बन के दो लाइन में लिख के निकल जाना चाहते हैं। अब आगे जो है घटिया शेर लिखा है रवीश ने, पढ़ना चाहूँगा, इरशाद बोलिए। कातिलों ने ऐलान किया है दंगे बाद शहर में, अदालतों की अब ज़रूरत नहीं मुर्दों के बीच। घटिया शेर है, रदीफ काफिया सब इसका बेकार है। दिल्ली के ओपन माइक में रवीश जी को ट्राई करना चाहिए, वहीं इस तरह की बेकार सी पोएट्री जो है वो चलती है, और क्योंकि आप 4-5 दोस्त लेके जाते हैं ऐसे ओपन माइक में और सबके 4-5 दोस्त पहुँचते हैं, और जैसे जैसे उनके दोस्त ने कविता पाठ कर दिया वो 4-5 दोस्त उसके साथ निकल जाते हैं, और अंतिम में सिर्फ सुनाने वाला बचता है और उसके 4 दोस्त बचते हैं। तो ऐसी जगहों पर रवीश जी को कविता पढ़नी चाहिए। अब जो है एक और, रवीश ने यस बैंक के नाम पर पैनिक जो है खूब बांटा है। अब यस बैंक के खाताधारकों पर संकट का साया करके एक लेख है, सिर्फ इतना कह देने से कि खाताधारकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यस बैंक के खाताधारकों को यकीन नहीं हुआ। अब देखिए यस बैंक की समस्या समझिए कि वो है क्या और क्या हुआ है। यस बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और जिस तरह से पैनिक बांटा गया कि अब पैसा डूब जाएगा और बैंक पर लगा दिया गया 50,000 से ज़्यादा आप 1 महीने तक नहीं निकाल सकते। अभी तक किसी भी बैंक काफ़ी बंद हुए हैं पिछले कुछ समय में, या तो मर्जर हुए हैं उनका, या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, फिनंशियल डीलिंग्स उनकी लेंस के अंदर थी, मतलब सस्पेक्टेड थी, संदेहास्पद थी, तो उस पर RBI ने काम किया, ठीक है। और अभी तक एक भी बैंक में किसी भी खाताधारक का पैसा डूबने की बात नहीं हुई, और यस बैंक में भी नहीं डूबेगा। मैंने जानकार लोगों से बात की और उन्होंने ये बताया कि निवेशकों का पैसा हो सकता है डूबेगा, क्योंकि निवेशकों को पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि ये बैंक जो है बहुत ही रिस्की डिसीजंस ले रहा था
जब ये पैसे लगा रहा था कहीं पे या किसी को लोन दे रहा था, तो ठीक है। तो उस कारण से जो स्मार्ट निवेशक 2017 से बात मतलब आउट इन द ओपन थी कि यस बैंक का 2 से 3 साल में जो है काम तमाम हो जाना है, उसमें पैसे मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद RBI भी एक्शन में आती है। एक बात और आप ये समझिए कि बैंकों के परिचालन से सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, सरकार इसमें कहीं नहीं होती, उसके लिए RBI जो है फाइनल बॉडी है और सरकार RBI को भी कोई निर्देश नहीं देती है। RBI अपने विजडम पे देश की अर्थव्यवस्था को लेते हुए, देश में लिक्विडिटी को देखते हुए, बैंकिंग के नियमों को देखते हुए वो एक्शन लेती है ताकि कुछ इतना बड़ा ना हो जाए कि देश की लार्जर इकोनॉमी पे कुछ प्रभाव पड़े। अब इसमें एक बात और आ रही है कि ऐसे सिचुएशन में सरकार दो तरफ से फंसती है। सरकार अगर कुछ नहीं करे, जो कि एक बड़ा ही बढ़िया कोट है, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है किसका है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन द बिजनेस, मतलब व्यापार में सरकार को कुछ करना ही नहीं चाहिए, उसे होना ही वहाँ पे नहीं चाहिए। अब है कि अगर पब्लिक सेक्टर का कोई बैंक इसमें आता है और उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, तब देखिए अभी रवीश जो है रो रहे हैं खाताधारक का पैसा चला जाएगा, निवेशकों को घाटा हो जाएगा, इससे ये बर्बादी फैल जाएगी वो बर्बाद, रवीश पैनिक बांटना चाह रहे हैं और सरकार जो है उसको कम करना चाह रही। सरकार कम कैसे करेगी कि वो चाहती तो किसी छोटे बैंक जो है उसको जो है RBI जो है वो कह देता कि तुम जाके उसके बोर्ड को देखो। किसको उतारा गया है इस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए? SBI को। SBI को क्यों उतारा गया? क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है और उसकी क्रेडिबिलिटी है, लोगों का उसमें विश्वास है, इसलिए लगता है कि जब SBI आ रही है तो ठीक है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग कुछ कर दें। पहली बात ये फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जिनका उसमें सेविंग्स बैंक अकाउंट है, जिनका भी खाता है, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अभी उस पर इसलिए लगाया गया है एक मॉरेटोरियम जिसको बोलते हैं, एक आदेश पारित हुआ है 50,000 तक ही 1 महीने तक निकाल सकते हैं, ताकि अचानक से पैनिक ना हो जाए और सारा पैसा उससे निकल ना जाए। आपका पैसा सुरक्षित है लेकिन पैनिक के कारण मत निकालिए। अब इससे होगा क्या कि पब्लिक सेक्टर का बैंक जब वहाँ पे जा रहा है और उसका पूरा जो लीडरशिप थी उसको हटा के नया प्रशासन जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नया लागू किया जा रहा है, नए लोग लाए जा रहे हैं, उससे ये होगा कि बैंक सर्वाइव कर जाएगा, यस बैंक रहेगा, यस बैंक डूब नहीं रहा है, लेकिन हाँ यस बैंक का जो ब्रांड था, जो विश्वसनीयता, बैंकों के पास सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है, तो फेथ जो है लोगों का वो इरोड कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रांड विल नॉट सर्वाइव, बैंक विल सर्वाइव। तो इसे इस तरह से देखिए, आम आदमी का पैसा जो है 5 लाख तक इंश्योर्ड है और इस देश में आप मान के चलिए कि 5 लाख से ज़्यादा बहुत कम लोग जो है एक खाता में पैसा रखते हैं, तो 5 लाख तो ऐसे भी इंश्योर्ड है, उससे ज़्यादा रखने वाले बहुत मतलब कम ही लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 लाख कोई नहीं रखता, लेकिन कम लोग होते हैं जो उतना ज़्यादा पैसा जो है एक ही बैंक अकाउंट में रखते हैं। RBI जो है मैनेजमेंट को बदल रही है। इससे एक बात जो है, जब मैंने उनसे पूछा जो जिनसे मेरी बात हो रही थी, क्या इससे जो है मतलब इसमें सरकार को कूदना चाहिए, सरकार को कितना ब्लेम कर सकते हैं, सरकार का ब्लेम का हिस्सा बहुत कम है। और जो लोग ब्लेम कर भी रहे हैं, RBI को ब्लेम कर रहे हैं कि जब उसे पता था कि 2015 से ये डाउनवर्ड स्पायरल पे था, तो अब RBI को भी आप डायरेक्ट ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 10 साल से यस बैंक के बारे में लोग जानते थे कि ये बैंक जो है अनड्यू रिस्क लेता है, हमेशा ये उन लोगों को पैसा दे रहा है, रिस्क असेसमेंट सही तरीके से नहीं करता है। अब आप कहिएगा कि ये तो आना चाहिए था सामने, इस पे किसी को एक्शन लेना चाहिए, RBI को। RBI जब ऑडिट करती है, जो बैंकों का ऑडिट होता है, तो वो पेपर और नंबर्स का ऑडिट होता है, मंशा का नहीं होता, इंटेंट का ऑडिट नहीं होता है। अब किसी ने किसी को पैसे दिए और उससे उसको रिटर्न आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो तो डूबती हुई कंपनी थी, तुमने उसको पैसा क्यों दिया। उसके लिए अगर वो कंपनी काम कर रही है, उसका पैसा वापस आ रहा है, तो सिर्फ वही मैटर करता है, नंबर्स मैटर करते हैं। तो इस कारण से जब तक ऑडिट में इनका चलता रहा, इनको लगता रहा कि सही जगह मतलब रिस्क ले रहे हैं, तो वो असेसमेंट नहीं हुआ। और क्या
ये अनड्यू रिस्क है या इनका मनसा खराब है, ये गलत लोगों को पैसा दे रहे हैं, ये डुबाने के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं, उसका ऑडिट नहीं होता। जब तक ये पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, और वहीं तब जो है आरबीआई आती है वहीं पर एक्शन में। और जो लोग जानकार हैं वो लोग शायद बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। मैंने किसी को फ़ोन किया था, उन्होंने जितनी बात मुझे बताई तो मैं आप तक वही पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा 19-20 रह गया हो, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यही है। और दूसरी बात यह भी है कि बैंकों का सिर्फ कैपिटल जो है बैंक नहीं रहता है। जैसे यस बैंक का एपीआई जो है, गेटवे जो होता है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो भी इनका एसेट है। लैंड किसको इन्होंने पैसा किया हुआ है तो वो सारा भी एसेट होता है। एक बात और है कि जब लोन राइट ऑफ होता है तो वो पब्लिक के पैसे से नहीं होता है। पब्लिक के पैसे को तब हाथ लगाया जाता है जब इक्विटी वाला पैसा ख़त्म हो जाता है। उसके बावजूद आप ये मानकर चलिए कि सेविंग्स बैंक्स वालों को या खाता धारक जो भी हैं उनको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आज तक हिस्टोरिकली नहीं हुआ है ऐसे केसेज में कि उनका पैसा सारा डूब गया हो। वो सरकार हमेशा जो है, जबकि सरकार को इसमें नहीं होना चाहिए, फिर भी जो है एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है तो वो हमेशा बचा लेती है। इससे सबसे ज़्यादा हानि जो कही जा रही वो यह है कि मार्केट सेंटिमेंट ख़राब होता है, लोगों का विश्वास जो है धीरे धीरे, अब यस बैंक है तो दूसरे बैंक पर भी जो है वो सस्पिशन से देखने लगते हैं कि कहीं इसका भी तो हालत यही नहीं होने। लोग जानकार लोग कहते हैं कि एक दो और बैंक है, आरबीएल है शायद, इंडसइंड है, जिसका हाल इसी तरह का होने वाला है। तो ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। इसलिए एक और सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं तो एक ही जगह पे अपने पैसे मत रखें। 2-3 बैंक अकाउंट अलग अलग और 1-2 सरकारी बैंक में आपके बैंक अकाउंट होने चाहिए, ताकि आपका पैसा वहाँ पर सुरक्षित रहे और आपको इस तरह से पैनिक करने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो है रवीश जी ने दंगों के ऊपर, ये काफ़ी पुराना है, चूँकि मैं अब सप्ताह में एक बार कर रहा हूँ तो इस कारण से दंग अब इनका जो है, पहले दंगों से जूझे अब चुनौतियों से जूझ रहे हैं, रवीश जी ने एक प्राइम टाइम किया। दिल्ली दंगों की बहसें बड़ी होने लगी, इन बहसों के लिए खलनायक चुन लिए गए। चुने नहीं गए रवीश जी, आपकी और आपके गिरोह की लगातार मतलब एक सूत्री एजेंडा बनाकर चल रही कोशिशों के बावजूद कपिल मिश्रा को जनता ने या नॉर्मल सेंटिमेंट जो होता है उसमें ये साबित नहीं हो पाया कि उसी ने दंगा शुरू करवाया। जैसे आपके लिए तो जो एक्चुअल में आग लगा रहे हैं, बसों को फूंक रहे हैं, भीतर से यूनिवर्सिटी के भीतर से पुलिस पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो दंगाई नहीं थे। दंगाई असली कौन था? अनुराग ठाकुर, जिसने ये कहा कि देश के गद्दारों को तो जनता बोल रही गोली मार, मतलब कोई नारा लगा रहा है। और नारा भी, बाकी नारा लगाने वाले भी दंगाई आपके लिए नहीं थे, जिन्होंने हिंदू विरोधी पोस्टर छापे, फक हिंदुत्व स्वस्तिक को जलाया, काली माँ को हिजाब में दिखाया, हिंदू औरतों को बुरके में दिखाया, भारत के झंडे में हरा रंग जो है बहुत बड़ा कर दिया क्योंकि हरा रंग इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तिरंगे वाला हिजाब था उसमें हरा रंग ऊपर दिखा दिया गया, केसरिया नीचे दिखा गया, संविधान को गाली दी गई, गांधी को फासिस्ट कहा गया, नॉर्थ ईस्ट को काट दिया गया, तो ये सब आपको नहीं दिखा था, ठीक है। और उसी तरह अभी आपको ये नहीं दिख रहा है कि वाकई खलनायक कौन है। खलनायक वो है रवीश जी, खलनायक वो हैं जिन्होंने अपनी छतों पर गुलेले बनाई हुई थी, जिनके छतों पर 600-700 लोग एक साथ खड़े थे और लगातार पेट्रोल बम फेंक रहे थे। खलनायक वो हैं रवीश जी जो ठेलों पर गुलेल बनाकर चल रहे थे, जिन्होंने अपने घरों में ट्रकों भर पत्थर मंगवाकर मोहल्ले में जमा करवाया हुआ था, जो एसिड की बोतलें फेंक रहे थे, खलनायक वो हैं। तो वो खलनायक उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, चुनने की ज़रूरत नहीं है, चुनने की ज़रूरत आप जैसे प्रपंचियों को है, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है, आपको बताना होता है कि जो चीज़ सब कुछ दिख रहा है, चीख रहे हैं सबूत, सड़कें जो है माचिस से, पत्थरों से, एसिड की बोतलों से, पेट्रोल बम की बोतलों से पटी पड़ी, उसके बावजूद आप लोगों ने पूरा एक भी बार रवीश कुमार ने नहीं दिखाया। फैजल के, फारूक फैजल के राजधानी स्कूल के छत पे क्या था और ताहिर हुसैन के छत पे क्या था और हर 10-15 छत पे क्या था लगा हुआ, ये रवीश ने कभी नहीं दिखाया, क्योंकि वो एजेंडा को सूट नहीं करता है। उसे पता चल जाएगा कि उस मकान वाले का नाम क्या है, उसके मालिक का, उसे पता चल जाएगा, और नाम में मजहब छुपा हुआ है, उसे पता चल जाएगा कि प्लानिंग 2 महीने से थी,
यह कोई अचानक से नहीं हुआ था, तो इस कारण रवीश जो है नहीं बता पाते। आगे लिखते हैं, लेकिन आप भी देखिए कि दंगों को लेकर बहस दंगों से भी ज़्यादा क्रूर होती जा रही है। सीरियसली रवीश, जहाँ एक मजहब के अपराधी की बराबरी दूसरे मजहब के नाम के अपराधी खोज कर की जा रही है, वो आपका गिरोह कर रहा है रवीश जी। यहाँ मजहब और धर्म तो है ही नहीं, यहाँ सबको दिख रही है कि तैयारी कौन कर रहा था। आपने खूब कोशिश की कपिल मिश्रा के एक स्पीच को, कपिल मिश्रा ने स्पीच दी और 7 ट्रक पत्थर जो है उसी दिन आ गए और तुरंत जो है लोहे की गुलेले जो है स्थापित हो गए हर जगह पे, तुरंत पेट्रोल बम जो है बनकर तैयार हो गए, मोलोटोव कॉकटेल जिसको बोलते हैं, एसिड की बोतलें छतों पर जमा हो गई तुरंत। मतलब इधर उसने स्पीच दिया और उधर जो है इतनी चीज़ें मतलब 10-12 घंटे में तैयार हो गई, मतलब वाकई। और बावजूद इसके कि तैयार हो गई, तो कपिल मिश्रा ने तो स्पीच दिया था, स्पीच का जवाब स्पीच से दो ना तुम। जहरीला स्पीच तो सरजील इमाम का था, उस पर तो तुम बड़ा बढ़िया गेम खेल गए, उसको तो ब्लेम नहीं किया तुमने, उसको तो तुम सोचने की ज़रूरत है जैसे शब्दों के साथ खेल जाते हो। यहाँ पे एक आदमी सिर्फ ये कह रहा है कि सड़क खाली करो या हम भी विरोध में सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतर कर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते थे, सड़क पर तो 100 दिनों से लगभग होने जा रहा है, बैठे हुए हैं शाहीन बाग में लोग, उससे तो दंगे नहीं बढ़ के। किसी भी हिंदुओं के बहुसंख्यक इलाके में हमने नहीं देखा कि पेट्रोल बम इकट्ठा किए जा रहे हैं, सेट की बोतलें इकट्ठा की जा रही हैं, मस्जिदों के छत पे, मतलब सॉरी हिंदुओं का इलाका है तो मंदिरों के छत पे पत्थर जो इकट्ठा हो रहा है, मंदिरों के छत पे जो पत्थर इकट्ठा हुई है वो मुसलमानों की भीड़ ने फेंकी थी शिव विहार के मंदिर पर। तो इस तरह की बातें जो है वो आपको सूट नहीं करती, इसलिए आपको भी बता नहीं पाते। आपने महत्व सिर्फ एक मजहब के पीड़ितों को दिया, हमेशा वो दिखता है और वो मैं आगे बात करूंगा। आपने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर कभी बात नहीं की, जबकि अगर आप सही मायनों में पत्रकार होते तो आप 40 मिनट उस एक लाश को देते, अगला 40 मिनट दिलवर नेगी के लाश को देते। इन दोनों लाशों वो सिर्फ दंगे में नहीं मरे। दंगे में कौन मरा जो जा रहा था, वीरभान गोली लग गई, आलोक तिवारी गोली लग गई, राहुल को गोली लग गई, ये लोग दंगे में मरे थे। इन लोगों को एक मजहबी भीड़ ने अपनी घृणा का शिकार बनाया था और मैसेज दे रहे थे, ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी हत्याएं हैं, इसमें आइसिस स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये संदेश देने के लिए कि हिंदुओं तुम्हारा हश्र ये होगा। 400 बार चाकू मारा गया था अंकित शर्मा के शरीर पे, 6 लोगों ने मारा था 4 घंटे तक। ये भूलने की बात नहीं है रवीश जी, और आपने शायद मेंशन भी नहीं किया है अपने न लेख में न प्राइम टाइम। इस क्रूरता का हिसाब कौन देगा? क्या इस क्रूरता में हिंदू और मुसलमान मैं नहीं देखूं? यहाँ पे तो पूरा का पूरा मतलब चीख रहे हैं सबूत कि दिलवर ने कि 20 साल का लड़का था, आर्मी में जाना चाहता। आपको याद है ना सुलेमान पे आपने पूरा का पूरा बिजनौर का जो लड़का था जिसने पुलिस कांस्टेबल को पेट में गोली मारी थी और आत्मरक्षा में चली गोली कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तब आप उसका पूरा ले आए थे टाइम टेबल कि वो 5 बजे उठता है, फिर नमाज पढ़ता है, फिर ये करता है, फिर वो उसको IAS बनना था। ये बच्चा भी 19-20 साल का दिलवर नेगी, वो भी अपने परिवार के लिए कुछ कमाना चाह रहा था, उसकी इच्छा थी कि वो सेना में भर्ती हो जाता, और आज पता है उसके परिवार को लाश तक ढंग की नहीं, हाथ पैर काट कर जलते हुए आग में फेंक दिया गया, और वो तस्वीर देखता हूँ जितनी बार देखता हूँ दहल जाता हूँ कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ एक दिन मैं भी जाता रहूँगा, और चूंकि मैं हिंदू हूँ एक भीड़ आएगी और मेरे भी हाथ पैर काट करके फेंक देगी किसी दिन आग। मुझे वो नाइटमेयर्स आते हैं, मुझे उस तरह के भयावह सपने आते हैं, और ये सपने रात को नहीं आते, ये दिन में आते हैं, जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तब आते हैं। इसको डर कहते हैं रवीश, और इसको कहते हैं डर का माहौल है कि राजधानी दिल्ली में एक मॉब 2 महीने से तैयारी करती रहती है, और उसको तैयारी जो करने में सहयोग दे रहे थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दिल्ली के सरकार की पार्टी के लोग थे इसमें जुड़े हुए, और उसको अभी तक तुम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसे अभी तक विक्टिम की तरह दिखाया जा रहा है। अब इसी पूरे प्राइम टाइम में रवीश ने जितने लोगों की चर्चा की, अब नाम सुनते जाइएगा, इन्होंने एक
प्रेम जी की बात की है। यूपी के कासगंज के प्रेम सिंह रिक्शा चलाने आए थे, उनके साथ कुछ हुआ। उसके बाद शमशाद की बात की है जो 25 तारीख को अपने घर के बाहर खड़ा था और पेट में गोली लगी। दानिश की बात की है, 28 फरवरी को छुट्टी मिली थी और बाएं घुटने में उनको गोली लगी। जाफराबाद का आसिफ भी घायलों में से एक है। विनोद जोशी की उसके बाद बात करते हैं, जिनका कोचिंग सेंटर जो है वो भजनपुरा वाला जो पेट्रोल पम्प जलाया था मुसलमानों की भीड़ ने, तो उसमें जो है जल गया। उसके बाद दानिश एक और हैं जो गोकुलपुरी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के मेन रोड पर उनकी दवा की दुकान है और उनको 1:30 बजे आग लगा दी गई। 4 मुसलमान 2 हिंदू। और इससे पहले आप जाए तो और बेकार कवरेज है। मैंने बताया आपको कि 40-40 मिनट कवरेज हो रही है और पूरी की पूरी तरह से, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे सबूत दिख रहे हैं कि तैयारी कौन कर रहा था, कौन हवाई हमले कर रहा था, उसी के लोग जमीन पर भी चल रहे थे, अपने ही हवाई हमले में मारे गए होंगे, और कौन जो है नालियों में शवों को फेंक रहा था, निपटा रहा था, ये सारी चीज़ें जो है सामने हैं, ये दिख रहा है सबको, लेकिन रवीश उसको छुपा ले जाता है, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करता है। बेकार सा कवरेज। नईम और फैजान की बात 40 मिनट चलती रहेगी, उसमें 1 मिनट बता दिया जाएगा कि राहुल की भी झोपड़ी में जो है आग लगा दिया गया था। और उसके पहले और प्राइम टाइम में आप कवरेज देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके मंशा क्या रही है। पूरी कोशिश की नैरेटिव को पलटने की, लेकिन वही है, नो द नेशन, स्वराज्य, ऑफ इंडिया, ये 3-4 संस्थाएँ ऐसी थी जिनके पास रिसोर्स कम है, उसके बावजूद हमने जो है आप तक लगातार कवरेज लाई और आपको बताया कि वास्तव में पीड़ित कौन है और कौन योजना बना रहा था लोगों की जान लेने के लिए। आगे वो इसी प्राइम टाइम में बताते हैं, दंगाइयों ने जलाते वक्त न हिंदू की दुकान देखी न मुसलमान, बिल्कुल देखी। जिस दुकान पे नो NPR नो CA लिखा हुआ था वो दुकानें मुस्लिम बहुल इलाकों में बच गई हैं। हिंदुओं की दुकानों के श्रृंखला के बीच बड़े अच्छे से खड़े हैं, उसमें न लूटपाट हुआ, कुछ नहीं हुआ। ज्वेलरी के दुकानों से लूट लिया गया, बाइक अपने दुकान से निकाल लिया गया। केशव मलान की एक रिपोर्ट है, वो जाके पढ़ी हमारी साइट पे, कि अपने दुकान से पहले बाइक निकाला फिर आग लगा दिया ताकि मुआवजा मिल सके। अरोड़ा फर्नीचर को किस तरह से ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने वो दुकान थी, कैसे आग लगाई गई, लूटा गया, वो जाके आप पढ़िए। उसके बाद रवीश जी का अगला लेख है, फेक न्यूज़ से जूझ रहे थे सरदार पटेल भी। एक लेख लिखा गया है, इस लेख में उर्विश कोठारी ने दिल्ली से सटे मेवात में हुए दंगों के बारे में लिखा है और उसमें कुछ ऐसी बात कही गई थी, एक अफवाह फैलाई गई थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब जो है सवाल ये उठता है कि अफवाह के नाम पे कि हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, और ये आज़ादी तक रवीश जी को पहुँच जाते हैं। सवाल ये है कि सरदार पटेल के बारे में जो दंगे हुए थे तब मेवात में हुए या 1947 में हुए, इसका जिक्र अभी क्यों? मैं बताता हूं कि आप इसको कैसे देखें। इसका जिक्र अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एक और दंगा हुआ है, उसमें दिख रहा है कि किसने दंगा किया। मैं लगातार आपसे इसी बात पे बात कर रहा था। तो अब जो है एक नया नैरेटिव मोड़ने की बात हो रही है कि अफवाहों के कारण दंगे हो गए, तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दंगे अफवाहों के ही कारण होते हैं। आप देखिए कि उस टाइम भी हुआ था और सरदार पटेल की सूझबूझ ने जो है उसे होने से बचा लिया या नहीं बचा पाया, जो भी बात है। तो इस कारण से बताया जा रहा है कि अफवाह के कारण जो है शायद ये। अब कोई मुझे ये बता दे कि क्या अफवाहों के कारण ताहिर हुसैन और फैसल फारूक की छतों पर जो है इतना बड़ा जो है व्यवस्था लॉन्चिंग पैड बना दिया, पेट्रोल बम सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे तैयार करके रख दिए गए, ये सब क्या अफवाहों के कारण हुआ? क्या अफवाह ने शाहीन बाग में हिंदू विरोधी पोस्टरबाजी और तमाम तरह की बातें की? नहीं, अफवाह ने नहीं की। आगे जो है एक लेख है वो ये है कि इस भीड़ में इस दिल्ली में भीड़ के पास बंदूकें कहाँ से आई? एक प्राइम टाइम, अगर इस पूरे प्राइम टाइम को आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आपको लगेगा रवीश ने बढ़िया रिपोर्टिंग की है, मतलब ढंग से बोला है, दोनों पक्ष को दिखाया है, सारी बातें। लेकिन रवीश जो है कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं करता, रवीश जो भी करता है वो एजेंडे के तहत करता है। 80 दिनों का इनका कुकर्म का पुलिंदा आप खोल लीजिएगा, प्राइम टाइम देखेगा जो लेख इन्होंने लिखे हैं और जब से हम लोग इनके प्राइम टाइम की नई रिपोर्ट बना रहे हैं उस पर, तो आपको पता चलेगा कि
ये इज इक्वल टू करने की एक बेकार सी कोशिश है कि अब देखो इसमें मैंने बुर्का वालियों के बारे में लिखा है कि वो भी पत्थर फेंक रहा, मैंने बुर्का शब्द का प्रयोग किया। अब आप देखिए इसमें दो वीडियो इन्होंने दिखाए, और दो वीडियो इसलिए दिखाए क्योंकि एक वीडियो उस जगह का है जिसमें पूरा दिख रहा है कि मुसलमान जो है औरतें, सॉरी बुर्काधारी औरतें, बुर्का हिंदू भी पहन सकते हैं भाई, कपड़ा है, तो वो औरतें जो है पुलिस को घेर कर चांदबाग इलाके में इतना मार रही थी, उसी में कहा जाता है कि रतनलाल की जान चली जाती है, DCP जो थे अमित जी वो ICU में पहुंच जाते हैं उसी कारण, ये सब बताया जा रहा है। तो इनको दूसरा भी एक वीडियो चाहिए था कि देखा, हाँ देखो ये भी वीडियो एक आया है, वो भी जब दूसरा वीडियो आया तब ये बताने के लिए उतर पाए। तो उसको इस तरह से आप देखिए, ये आदमी कोई ढंग की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, ये एजेंडा के हिसाब से चल रहा है। और ये अभी अभी पिछले में ये बता रहा था ना कि एक मजहब के अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए दूसरे मजहब के लोगों को लाएगा, रवीश यही कर रहा है, एग्जैक्टली वही कर रहा है, क्योंकि इसको दिख गया कि एक मजहब के लोग CCTV तोड़ रहे हैं, एक मजहब के लोग पुलिस को घेर कर मार रहे हैं, और डिवाइडर से पुलिस मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस को अपना जान बचाने के लिए भागना पड़, ये सारा बात रवीश कह रहा है। ये वही है कि बैलेंस करने की कोशिश है, और बैलेंस सिर्फ एक एपिसोड में, बाकी टाइम तो मैंने बताया इनका तुला जो है इनका वो कितना टिल्टेड रहता है। इनमें बुरके में जो महिलाएं हैं वो पुलिस पर हमला कर रही हैं, पुलिस पर पत्थर चला रही हैं और डंडे भी। तो रवीश जी आपने किसी को भेजा क्या, भेजते किसी रिपोर्टर को पूछने के लिए कि आप क्यों डंडा चला रहे थे? आप तो आइडेंटिफाई कर, आप तो मीम को आजकल आइडेंटिफाई करने लगे हैं जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उस पर क्यों नहीं? अब आगे अंतिम जो है वो ये है कि रवीश जी ने अपने उस पर जो है वॉल पे एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें वो फोटोशॉप किया हुआ है, स्त्री की तरह उनको दिखा दिया गया, लिपस्टिक लगा दिया, बिंदी लगा दिया, जो काफ़ी निंदनीय चीज़ है, मैंने इसकी निंदा भी की है। तो उसमें ये लिखते हैं कि ITSL स्त्री से इतनी नफरत करता है कि मेरे चेहरे में भी उसे स्त्री नजर आती। नफरत नहीं करता रवीश जी, नफरत के कारण ये सब थोड़े होता है। आपको अब लोगों ने मीम मटेरियल मान लिया है, आपको पत्रकार वो मानते ही नहीं, आपको हंसी मजाक की चीज़ बना दी है, जो वो एक बच्चा ने ऐसे किए हुए रहता है वो बच्चा आप बन गए, जिसके ऊपर में अलग अलग तरह की चीज़ें लिख दी जाती है। जैसे अनंत सिंह है, उससे पूछा किसकी सरकार है तो वो बोलने लगे किसकी सरकार है। तो आप मीम मटेरियल है, आपसे आप नफरत के बियॉन्ड जा चुके हैं, अब आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता वाले मोड में हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रवीश जी आपसे, आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। और इसलिए आपने आगे लिखा है, मुझे लेकर एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है। भाई आपको लेकर NDTV नहीं चल रही है, NDTV लगातार जो है घाटे में चलता है, आपके दर्शकों की संख्या जो है हर दिन गिरती जा रही है, NDTV से पत्रकारों को फायर किया जा रहा है, फोटोग्राफर्स को फायर किया गया था, ये तो सबको पता है न्यूज, और आपके मालिक के ऊपर किस तरह की जाँच चल रही है ये भी आपको पता है। तो ये कन्फ्यूजन मत रहिए कि आपको लेकर कोई इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल भी रही है तो वो मीम इंडस्ट्री है, आपके नाम से मीम इंडस्ट्री चल रही है और इसका क्रेडिट आपको देंगे। लेकिन हाँ वही है कि कन्फ्यूजन आदमी को नहीं पालना चाहिए, कहावत है हाथी पालो घोड़ा पालो कुत्ता पालो, कन्फ्यूजन मत पालो। तो रवीश जी जो है आप जो है कन्फ्यूजन मत पालिए रवीश जी। तो ये है रवीश की रिपोर्ट, नई रिपोर्ट, और आगे भी रवीश जी कुछ कांड करेंगे तो मैं आपसे मिलता रहूँगा, और गुर्दे छीलने का जो है सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।